नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। गोजरी में जो लोग रहते हैं वो तमाम बड़े बड़े और इस आप ये रोड की हालत देख सकते हैं। या हम सुबह जब आते हैं पानी इतना गंदा गटरों का आता है, कपड़े बेनमाज होते हैं, हर गली में गटर खुले हुए हैं। अब हम क्या करें, हम हुकूमत से अपील कैसे करें? फारूक साहब को पता ही नहीं है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। पानी हर वक्त जारी है, गंदगी का पानी बड़ी तकलीफ है। रोड भी इसी की वजह तो खराब होती है, पानी पानी है सारे। सुबह स्कूल आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाड़ियाँ की, चूँकि यहाँ से उठाती हैं बच्चों को। मेन जो यूनिवर्सिटी की गाड़ियाँ हैं वो गलियों में तो नहीं जा सकती ना। महकमे का कोई आदमी इधर आके नहीं पूछ रहा, ये हमने काम दिया है कृषि साहब को, कृषि साहब से आके ये पूछें कि ये काम आप क्यों नहीं करवा रहे। मुझे तो यहाँ पे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई और पिछले 2 महीनों से ये सिचुएशन है। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, ये जगह उखेड़ के चले गए हैं। जब आवाज़ उठाते हैं, स्ट्राइक होता है, कहते हैं कि कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, मतलब 2-3 दिन के लिए बंदे आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं और फिर वो फिर गायब हो जाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद फिर एक नई पार्टी आ जाती है। इतने मसाइल हैं कि बंदा परेशान ही है। दरवाजे के आप हाल देखें तो कचरा देखें, बल्दिया महकमा डिप्लोमेट अथॉरिटी जनाब MDA महकमा एक महकमा कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी कि खस्ता हाली का शिकार है। नाला देखें, इधर जाले लगे हुए थे, लोग ले गए, चोर ले गए, ग्रिलें लगी हुई थी वो वाम आ रही है ले के जा रही है, लाइटें यही नहीं है। इधर जो पार्क के जो जनाब हैं मुतलका वाम है वो सोई हुई है। बजट है इनके पास मुलाजम है लेकिन नहीं, कोई चौकीदार नहीं है, कोई जनाब मान कोई माली नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। इधर ना झूले हैं ना कुछ है ना कहाँ है, बस जो चीज़ गिर रही है लोग ले के जा रहे हैं, लो है तो लोग ले के जा रहे हैं, मजाक बनाए हुए, कोई पूछ ही नहीं रहा है। मुलाजमीन सोए हुए हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं, अपने घर बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास तनख्वाह ले रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। जो चौकीदार है उसको तनख्वाह मिल रही है लेकिन पार्क में गंद पड़ा हुआ है। जो माली है उसको तनख्वाह मिल रही है लेकिन पार्क में गंद पड़ा हुआ है। जो हैं वो किधर हैं? और उन्होंने आके ये इफ्तिताही तख्ती लगा दी। इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें खुद खुद जो है काम पे आ जाएंगी। घंटा घंटा जो है ट्रैफिक रुकी रहती है, पैदल आदमी पहले निकल जाता है, ट्रैफिक यहीं रहती है खड़ी की खड़ी। तो लिहाजा जो मकसद है इस पुल का वो तो अभी पूरा नहीं होता जब तक ये लाग ना जाए। तख्तियों से अगर मसले हल होते तो हर जगह हमें तख्ती लगती नज़र आती। तख्ती मसले का हल नहीं है, मसले का हल है कि पुल लगाएं। पुल लगाने के लिए अब कोई आता ही पता ही नहीं है दूर दूर तक किधर गए तख्ती लगा के। हर आदमी उठता है यहाँ अंधेरा लगाता है कि मुजफ्फराबाद शहर को खूबसूरत बनाएंगे, इसको दारुल हुकूमत के शाया निशान बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आज तक जो भी काम हुआ उसमें सबसे पहले तख्ती लगा दी जाती है। तख्ती लगाने के बाद फिर सालों इसका इंतज़ार किया जाता है कि ये काम कब पाए तकमील पे पहुंचेगा। ये जो रोड जा रही है इसके ऊपर बहुत बड़ी आबादी है, पीछे बहुत बड़े गांव हैं, सैकड़ों घराने हैं जो इस रोड से ही जिनका गुज़र है। तो अब जब इसके ऊपर बारिश होती है तो इसके ऊपर बच्चों का, बूढ़ों का, ख़वातीन का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्लिप बहुत ज़्यादा हो जाता है, गाड़ियों का गुज़र बहुत मुश्किल से होता है, मोटरसाइकिल का जो है ना एक्सीडेंट होता है, ख़वातीन गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं। सौ पचास गाड़ी होगी, 150 मजिस्ट्रेट है, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, फिर भी इसमें ये नाकामी का बायस है। और बात लम्बा फिक्री है ये, और लोगों के लिए कोई शक नहीं, मसाइल हैं, एमरजेंसी में लोग आते हैं, बीमार आते हैं, और तरह के प्रॉब्लम होते हैं, अस्पताल में लोग जाते हैं, उनके ट्रक के बाद बहुत दिक्कत होती है, आम आदमी बहुत परेशान होता है। ये है कि जिसके पास अगर कोई रक्षा है वो गलत पार्किंग करता है उसको तो दस्ती चलाना 1000 रुपये का अगले काट देते हैं या बाइक वाले का। जिसके पास कोई गाड़ी है अच्छी लग्जरी गाड़ी है या वैसे कोई उस तरह की प्राइवेट है वो तो मेन रोड के सेंटर में लगा के ना अपनी वो काम में चला जाता है, उसको कोई नहीं है। ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम नहीं है, बुरी हालत है, कोई सिग्नल नहीं चालू है, ट्रैफिक वाले भी जिधर खड़े होते हैं चंद एक जगह पे शहरों पे वो खड़े होते हैं, जिधर ट्रैफिक खोलते बंद करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा खुद भी कोई ये येलो लाइन जो पट्टी होती है उसके अंदर पार्किंग होनी चाहिए लेकिन येलो लाइन का किसी को पता ही नहीं है येलो लाइन के अंदर करनी है या बाहर करनी है। तो कोई भी इधर कोई प्लान नहीं है, ट्रैफिक वालों के पास कोई कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ जो है बस सुबह आते हैं खड़े हो जाते हैं 2-4 बंदे, इधर से इशारा उधर दे दिया, उधर से उधर दे दिया, बस शाम को चले गए, कोई प्लान नहीं है।
किसी तरह का ना ही कोई पुलिस को ऊपर पूछने वाला है, ना ही कोई आईजी साहब पूछते हैं इनको, ना कोई वजीर मशीर कोई पूछने वाला भी इनको नहीं। लड़के यहाँ से बाइक लेके आते हैं स्कूल के लिए या उन्हें यहाँ नीचे बाइक पार करके आना पड़ता है, इस रोड से ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस तरह की बाइक ऊपर नहीं ला सकते रोड की वजह से, रोड की सूरत हाल की वजह से, तो उन्हें नीचे खड़ा करके फिर वहाँ से ऊपर आना पड़ता है। और उसके अलावा जो रोड पर पानी की वजह से रोड ख़राब हो रही है, ना कोई गाड़ियाँ आ सकती है, ना कोई रिक्शा आ सकता है, बच्चे नीचे से ऊपर तक यहाँ तक पैदल आते हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए हमें चारपाई या फिर 4x4 गाड़ी लानी पड़ती है इस जगह पर, क्योंकि दायर और कोई गाड़ी रिक्शा वगैरह नहीं लाते, या तो मोड़ तक उठा के लेके जाना पड़ता है, वहाँ से नीचे रिक्शे लेके जाते हैं। रोड है तो फिर कई मसला है, रोड गेंद है चले बारिश होती है फिर मिट्टी भी अंदर में रोड गेंद है पक्का करन का जो रोड है चिकड़ बने और कचरा भी रस्ते सटे दा, बिलकुल कोई मेजबान आ जुला कोई इंसान आ जुला कोई नेरे भी आ जुला गिरने का मसला है, इतना कचरा है और रोड भी सही नहीं, कितनी बीमार इसी तरह रहन और ज्यादा अंताई बीमार हैं, डॉक्टर असन को आस्तन के इतने बीमार को थो लेकिन रास्ता खराब है। तुसी आप भी बीमार हो? मैं खुद ही बीमार टुर दी हैं लेकिन ठीक ना, इस रास्ते तो बीमार हैं, इस रास्ते तो बीमार हैं, नहीं वजह गड्डी कोई भी नहीं।